इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं क्या ड्रीम इलेवन एमपीएल या माई सर्कल इलेवन जो भी जितने ये फैंटेसी जो ऐप है क्या यार इसमें बॉट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। यार काफी लोग मुझे ये पूछते हैं कमेंट में कि भाई क्या ड्रीम इलेवन में बॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये फेयर प्ले है, हम इसमें खेल रहे हैं कहीं ऐसा हो कि यहाँ पे लोग कोई बॉट्स का इस्तेमाल करके हजारों टीम बना दिया हो, तब तो भाई ये तो गलत ही है ना, क्योंकि हम एक दो मैच लगा सकते हैं, दो लगा सकते हैं, तीन लगा सकते हैं, अब हजारों तो नहीं लगा सकते ना। कोई बॉट्स का इस्तेमाल कर रहा हो तो क्या यहाँ पे बॉट्स अलाउ है कि नहीं, तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई अब अगर ऐसा है कोई बॉट्स इस्तेमाल करता है तो अब इसका क्या सोल्यूशन है, तो भाई इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई देखो मुझे भी लगता है पर्सनली कि ड्रीम इलेवन में बॉट्स अलाउ है, क्यों, क्योंकि भाई मैंने काफी टाइम ये नोटिस किया है, ड्रीम इलेवन में देखा है, अगर आप जब उसके प्लेयर वाले सेक्शन में जाओगे, जब आप प्लेयर्स चूज करने के लिए जाओगे तो भाई कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं होगा जिसमें मतलब कुछ परसेंट लोग ने सेलेक्ट किया ही है, मतलब यार 0.1% या कुछ परसेंट लोग ही है जिसको सेलेक्ट किए हैं, हालांकि वो प्लेयर यार कभी खेले ही ना, मतलब पिछले 4-5 मैच से भी ना खेले या अभी तक पूरे सीजन में भी ना खेला हो वो बंदा, तब भी उस बंदे को कुछ परसेंट लोग सेलेक्ट किए होते हैं। इसका क्या मतलब है कि भाई यहाँ पे बॉट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है जो रेंडमली हर एक प्लेयर को, ऐसे लोग सिस्टम बना के रखते हैं, सिस्टम बना के रखते हैं कि भाई हर एक प्लेयर को चूज करना है, मिक्स करना है, सबको एक एक बार कैप्टन बनाना है, और जब भाई आप कैप्टन बनाने और वाइस कैप्टन बनाने के लिए भी जब कंटिन्यू करते हो तो वहां पे भी हर एक प्लेयर भाई चाहे कोई भी कितना भी खराब हो, हर एक प्लेयर जो खेलता भी नहीं अगर उसको भी ले लिए ना, उसको भी कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जो कैप्टन और वाइस कैप्टन उसको बनाए होंगे, जो दिखाता ना कितने परसेंटेज ऑफ लोग इसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाए हैं, तो उसमें भाई पॉइंट ही कुछ परसेंट लोग हैं लेकिन उसको बनाए हैं, वहां पे तो भाई 1% या 0.1% आपको दिखता है, लेकिन भाई इतने लाखों लोग बनाते हैं तो लाखों लोग अगर 1% भी है, 2% भी है तो कितने ज्यादा लोग हैं, मीन्स वहां पे बॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो बॉट्स को यहाँ पे कमांड दे के रखा जाता है, सिस्टम बना दिया जाता है कि भाई हर बार वो मिक्स करके कुछ को कैप्टन हमेशा बनाएगा, 11 प्लेयर लेगा और सबको एक एक बार कैप्टन, एक एक बार वाइस कैप्टन बनाएगा और सबको मिक्स करेगा, तो ऐसे यार लोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं और जो अच्छे प्राइज होते हैं वो लोग ऐसे ही ये लोग जीतते हैं, मुझे पर्सनली लगता है। आप लोग क्या 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 लगता है कि ड्रीम इलेवन में बॉट्स अलाउ है कि नहीं, लोग यहाँ पे यूज करते हैं कि नहीं, हजारों हजारों यहाँ पे लोग यहाँ पे यार 100-100, 500-500 हजारों टीम यहाँ पे बनाए जाते हैं, बट और अगर सोल्यूशन क्या है भाई, अगर ये बॉट्स इस्तेमाल करते तो हमारे फेयर प्ले नहीं है, हमारे साथ ये गद्दारी है, तो हम इसमें अब क्या कर सकते, तो भाई कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग खेलना छोड़ दो ड्रीम इलेवन, और अगर नहीं छोड़ सकते हो तो भाई ऐसे ऐप को आप चूज करो, ऐसे ऐप में आप फैंटेसी गेम्स खेलो जिसमें कंपटीशन कम हो या उतना पॉपुलर नहीं हो, क्योंकि जो ऐप्स इतने पॉपुलर नहीं होते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग कॉन्टेस्ट नहीं ज्वाइन करते हैं या जितना बड़ा अमाउंट नहीं रहता है, आपको दिखता भाई 1 करोड़ फर्स्ट प्राइज है लेकिन उसके चक्कर में आप कुछ भी नहीं जीत पाओगे, छोटा ही रहे उसी में ज्वाइन करो, उसमें अच्छा प्राइज जीत जाओगे, तो ये ऑप्शन है, बड़े वाले में जाओगे तो वहां पे बॉट्स का इस्तेमाल ये लोग करते हैं बड़े प्राइस जीतने के लिए। और भाई एमपीएल में भी काफी टाइम मैंने देखा है, एमपीएल में भी काफी मैंने देखा है, रिसर्च भी किया है, यहां पे भी बॉट्स इस्तेमाल नहीं किया जाता है, अभी तक मुझे लगता है कि इसमें बॉट्स इस्तेमाल नहीं होता है, तो एमपीएल में भी आप ट्राई कर सकते हो, बट इन दोनों में माई सर्कल इलेवन में देखा मैंने, ड्रीम इलेवन में देखा, इन सब में मुझे लगता है भाई पर्सनली कि इसमें बॉट्स को बैठाया जाता है टीम को रेंडम बनाने के लिए अपने अनुसार, ताकि जो बड़े बड़े मेगा प्राइज हैं वो जीत सके, तो आप करो तो भाई खेलना छोड़ दो, नहीं तो भाई छोटे छोटे प्राइज में खेलो तो आपको चांसेस ज्यादा रहेंगे, जबकि 1 करोड़ में देखोगे ना वो जीत पाओगे ना छोटा ही जीत पाओगे, तो भाई यही बात है। अगर आप लोग को ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक करें, और भी कुछ पूछना है तो भाई कमेंट बॉक्स खुला है, पूछ सकते हो, तो मिलते हैं किसी और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।